नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं, यह मशीनें देख सकते हैं आप, इन मशीनें जो हैं यह लकड़ी का बिल्कुल चूरा कर देती हैं। तो किसान दोस्तों, आज मैं इसी कड़ी में आ पहुंचा हूँ कोटकपुरा पंजाब के अंदर, जो कि छिब्बर एग्री इक्विपमेंट कंपनी के इस टाइम में अंदर आया हुआ हूँ और उस कंपनी के ओनर हमारे साथ हैं। नमस्कार परुण सर। नमस्कार सौरभ भाई। तो सर, आज मेरे किसान भाइयों के लिए आप क्या लेकर आए हैं? सौरभ भाई, जैसे कि आपको पता है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट जाना जाता है नए नए किस्म के कृषि उपकरण लाने के लिए जी। तो आज जो ये मैं मशीन लेके आया हूँ, ये एक ऐसी मशीन लेके आया हूँ जिससे मेरे किसान भाई जो उनके पास वेस्टेज है जी, जो उनका बेकार सामान पड़ा हुआ है, उससे भी पैसा कमा सकते हैं। और वो कैसे कमा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा जी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेस्टेज की, किस किस वेस्टेज का किसान भाई इसमें यूज कर सकता है? सौरभ भाई, किसी भी किस्म के आपके पास एग्रीकल्चर वेस्टेज हो जी, जैसे कि अगर हम बात करें, आपने बाग बगीचे लगाए हुए हैं, पेड़ का लगाए हुए हैं, जब आप पेड़ काटते हैं तो उनकी टहनियां बच जाती हैं जी। बगीचों में जब आपने बाग लगे होते हैं, वहां पे आप पौधों की छटा छटाई करते हैं तो वो टहनियां आपके पास बच जाती हैं जी। सब्जियों की खेती आप कर रहे हैं, जैसे टमाटर है, गोभी है, तो वो जब फसल लेने के बाद जो टमाटर का पौधा है तो वो आपका वेस्टेज आ जाता है, वो आपका किसी उपयोग में नहीं आता है। तो वो जितनी भी आपके पास एग्रीकल्चर वेस्टेज है, आप उसको इस मशीन के माध्यम से निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में इसको करके आगे कहीं जगह उपयोग कर सकते हैं जी। अगर सूखी लकड़ी है, जलाने के तौर पर उपयोग कर सकते हैं, गीली लकड़ी है या पौधों की वेस्टेज है, उसको खाद के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। बेड के ऊपर मल्च की जगह, मल्च शीट आप लगाते हैं, उसकी जगह आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या जानवरों के नीचे बिछौने के तौर पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं जी। तो राहुल भाई, जैसे आपने अभी बताया था लकड़ी को भी काट सकती है, तो लगभग कितनी मोटी लकड़ी को यह चूरा कर देगी लकड़ी का? सर भाई, ये जो मॉडल हमने डिजाइन किया जी, इसको वुड चिपर या वुड श्रेडर कहा जाता है जी। 7 HP का 212 CC का एयर कूल पेट्रोल इंजन इसमें लगा हुआ है, जो कि बहुत ही दमदार है और पेट्रोल पे चलता है जी। इसमें अगर कटिंग कैपेसिटी की बात करें तो आप 7-8 inch मोटी लकड़ी को भी बिल्कुल बारीक टुकड़ों में आप इससे काट सकते हैं। 7-8 inch की लकड़ी हो मोटी तो वो भी बिल्कुल बारीक कट जाएगी? बिल्कुल सर। तो मैं बात करता हूँ, आपने वैसे तो बता दिया इसका क्या यूज है और किसान भाई इससे कैसे बिजनेस कर सकता है, तो इसका मतलब मैं इस मशीन की पूरी जानकारी लेना चाहता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसके इंजन के बारे में जी, तो इसके इंजन के बारे में बताइए। सर भाई, जैसे कि आपको बताया, इसमें 7 HP का 212 CC का एयर कूल पेट्रोल इंजन लगा हुआ है जी, जो कि बहुत आसानी से रिकॉइल के माध्यम से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं जी। स्टार्टिंग के बाद अब ये मशीन को आपने एक जगह रख के तो काम लेना नहीं है, कई बार खेतों में लेके जाना है, कहीं पे भी लेके जाना है, तो बहुत आसानी से एक ही हाथ से आप इसको उठा के कहीं पे भी आसानी से आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जी। आगे पीछे करना बहुत आसान है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसके ब्लेड चलते हैं इस जगह पे जी, और ये जो इसका हॉपर बनाया हुआ है, इतना हेल्थी हॉपर बनाया है कि आप जितना भी कोशिश करेंगे आपका हाथ ब्लेड तक नहीं पहुंच पाएगा जी। और जो कटा हुआ लकड़ी है वो यहाँ से आपका बाहर आएगा जी। हैंडल इसके लगे हुए हैं। सेफ्टी फीचर के लिए आपको इंजन बंद करने के लिए नीचे झुक के बार बार ऑन ऑफ का बटन नहीं दबाना है, ऑफ करने के लिए सिंपल ये पुश बटन से भी आप इसको बंद कर सकते हैं जी। मतलब जो मेरा किसान भाई चाहता है कि मुझे ये सब सुविधा मिले, ये सब फीचर्स हो, आपने पहले से इसमें ऐड कर रखे हैं। तो ऐसा होता है जैसे मेरा किसान भाई यहाँ से इसमें लकड़ी डालेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि उसका मतलब चूरा जो है लकड़ी का कभी वो वापस आ जाए थोड़ा बहुत? सर बिल्कुल नहीं सौरभ जी, उसके लिए भी आप ध्यान देखिए, यहाँ पे हमने ये लेदर का पट्टा लगा दिया है जिससे किसी भी किस्म का जो लकड़ी का चूरा है आपके तरफ वापस उछल के नहीं आएगा जी। तो अब जैसे कि मेरा किसान भाई इसमें टायर देख सकता है, तो टायर किस क्वालिटी के लगाए सर आपने इसमें? सर टायर इसमें बहुत हैवी ड्यूटी के टायर्स लगे हुए हैं, जो ना कि फटेंगे ना ही खराब होंगे, क्योंकि ये जो मशीन्स हैं इनको कई बार आपने खेतों में भी लेके जाना है, आगे पीछे भी करना है, इसलिए बहुत हैवी ड्यूटी के टायर इसमें लगा जी। तो मैं बात करता हूँ इस मशीन की पेट्रोल खपत के बारे में, पेट्रोल खपत क्या रहेगी इसकी? सर अगर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो ये घंटे का आपका 700 ml फ्यूल कंज्यूम करेगी प्रति घंटे जी। और लगभग लगभग एक घंटे में कितना काम कर देगी, प्रोडक्शन कितना है इसका? सर और एक घंटे में ये आपका तकरीबन 6 क्विंटल यानी कि 600 kg लकड़ी को बुलादे में कन्वर्ट कर देगी। राहुल भाई कर भी देगी इतना? सर लाइव डेमो में कहने की बात और है, लाइव डेमो में ये लकड़ियां रखी हुई है आपकी आंखों के सामने, इनको करके दिखाऊंगा जी। जी जितनी ये काफी मोटी लकड़ी लग रही है, इनमें मुझे कोई सबको चूरा बना देगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो अभी कम है मोटी लकड़ी, ये देखिए जी आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं किसान दोस्तों आप, ये देखिए जी, ये जैसे मोटी लकड़ी रखी हुई है इसको भी ये चूरे में कन्वर्ट करेगी, बिल्कुल चूरा बना देगी इसका। बिल्कुल सर, आप देखिए ये कम से कम 3-4 inch मोटी लकड़ी है, काफी मोटी लकड़ी है जी। जी तो मैं बात करता हूँ, जैसे मेरा किसान भाई कोई सामान लेकर जाता है तो वह सोचता है कि मेरा सामान जो वो ज्यादा से ज्यादा समय तक चले, तो इसमें मेरे किसान भाई जब इस मशीन को ले जाएगा तो उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि वह ज्यादा समय तक इसका यूज कर सकें? सर पहली बात तो छिब्बर एग्री इक्विपमेंट जो भी प्रोडक्ट देता है उस पर हम आपको 12 महीने की वारंटी देते हैं या 1 साल की वारंटी देते हैं,
उसके बाद भी अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो हमारी कंपनी में हर समय आपको हर किस्म का स्पेयर पार्ट मिलेगा जी। बाकी इस मशीन की मेंटेनेंस के लिए कुछ करना नहीं है, अकेली तीन चीजों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले यहाँ पे ये एयर फिल्टर लगा होता है, इसको आपने टाइमली साफ करना है। ये जो एयर फिल्टर है इसके ऊपर से ये नट खोल के इसको आप आसानी से साफ कर सकते हैं जी। सेकंड नंबर पे ये जो इंजन ऑयल है ये बोल्ट खोल के आप जो पुराना तेल है वो बाहर निकाल सकते हैं, और यहां से आपने जो नया इंजन ऑयल है वो अंदर डाल देना है जी। और तीसरे नंबर पे जो ये आगे इसके बेजिंग लगे रहते हैं जो ब्लेड को घुमाते हैं, वहां पे ग्रीस करने के लिए हमने आउटलेट दे दिया, इसको आप ग्रीस गन के मदद से यहां से ग्रीस कर सकते हैं जी। नमस्कार जी। राम राम भैया। तो ये बताइए, पहले तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे किसान भाइयों के अपना छोटा सा परिचय दे दें। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद बल्लभगढ़ का रहने वाला हूँ। तो मैंने जैसा कि अभी राहुल भाई ने बताया था कि आप यहाँ पर आए हुए हैं सुबह से और इन मशीनों को लेने आए हैं, तो आपको पहले तो ये बताइए आपको इन मशीन जो देख रहे हैं जिसे बुट छिपर बोला जाता है, इसका पता कैसे चला? मैंने इसका डेमो वीडियो यूट्यूब पे देखा था। अच्छा, तो मुझे यहाँ का एड्रेस मिला, मैंने फोन करके पता करा था, तो इनकी फोन की सुविधा भी बहुत अच्छी है जी, तो इनसे कॉन्टेक्ट हुआ, तो मैं 500 किलोमीटर दूर से मैं यहाँ पे इसको लेने के लिए यहाँ आया। मतलब 500 किलोमीटर दूर से आप यह मशीन लेने आए हैं जी। तो मैं ये बताइए आप इसे किस काम के लिए लेकर जा रहे हैं? देखिए, मेरा मिट्टी का काम है जी, मैं बर्तन बनाता हूँ, और मुझे बुरादे की सप्लाई के लिए मतलब उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, लकड़ी तो बहुत मिल जाती है लेकिन बुरादे की सप्लाई नहीं हो पाती जी। तो मुझे इसका बुरादा बनाने के लिए मैं इस मशीन को यूज करूंगा जी। मतलब आपका कहने का मतलब आपको लकड़ी तो बहुत मिल जाती है लेकिन लकड़ी का बुरादा जो होता है वह नहीं मिल पाता जी, जी। और उसका आपको जरूरत है बुरादे की जी। तो इसलिए आप यह मशीन लेने आए हैं जी। तो मतलब कैसी लगी आपको ये मशीन है जी? इसका बस खाली डेमो देखना, बाकी मशीन ला जाओ आप। मशीन बढ़िया लगी आपको? और जैसे कि इसमें टायर पायर मतलब कंपनी ने ऐसी कोई कमी तो नहीं छोड़ी? सबसे बेस्ट इसमें मुझे ये लगा, मेरा किसान भाई ये वीडियो देख रहा होगा तो मैं इन मशीनों के रेट जानना चाहेगा, कीमत क्या कर रखी है सर आपने इनकी? धालीवाल साहब, ये जो मशीन है इसकी कीमत हमने रखी है मात्र 75,000 रुपया। 75,000 रुपया? 75,000 में पैन इंडिया आपके घर तक पहुंचा के देंगे, ना कोई अलग से ट्रांसपोर्टेशन ली जाएगी, ना ही GST अलग से लिया जाएगा जी। और इसको मंगवाने के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, मेरे छोटे भाई साहब हैं पादल जी, जिनका नंबर है 9855219706, और मेरा नाम है राहुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9814231007। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है chhubbaregri.com के नाम पे, मैं हिंदी में नंबर बोल देता हूँ 98552119706 और 98142311007। आप हमारी कंपनी में खुद भी आ सकते हैं, घर बैठे मंगवाने के लिए दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कीजिए। हमारा कोई भी एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करता है तो आप उसको कहिए कि मेरी राहुल भाई से या पादल भाई से वीडियो कॉल पे बात करवाए, हम दोनों भाइयों के साथ वीडियो कॉल पे बात करने के बाद ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करें। और एडवांस के तौर पे सिर्फ आपको 10,000 रुपए एडवांस देना है, नाम पता लिखवाना है, हम आपकी मशीन प्रॉपर पैक करके आपके दिए गए एड्रेस पे भेजेंगे। जब मशीन आपके नियर बाय ट्रांसपोर्ट पे पहुंच जाएगी आपको बकाया राशि कंपनी के अकाउंट में जमा करवानी है, उसके बाद मशीन सेफली आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी जी। तो अब मैं बात करता हूँ, क्या मेरा किसान भाई इससे बिजनेस भी कर सकता है अगर करना चाहे तो? बिल्कुल जी। अब जैसे कि आपको पता है कोयला हर जगह बैन हो गया जी, तो जितने भी ईंटों के भट्टे हैं वहां पे चलाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है जी। कई जगह घर पे चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में चलाने के लिए आप इस लकड़ी का बुरादा वहां पे बेच सकते हैं जी। जो ऐसे कि मैंने आपको बताया, खाद आप बना सकते हैं, मल्चिंग के तौर पे आप बेच सकते हैं, एक ही मशीन से आप अपनी वेस्टेज को डाल के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मेरा किसान भाई लगभग कितने घंटे से लगातार चला सकता है? सर, ये जो मशीन डिजाइन की है इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है, जैसे कि आपको बताया, इसको इस हिसाब से डिजाइन किया है कि 3 से 4 घंटे एक बार टैंकी फिल होने के बाद ये चलेगी, उसके बाद आपको इसमें 10-15 मिनट का गैप देना है और दोबारा फिर आप इसको चला सकते हैं जी। लगभग 4 घंटे मेरा किसान भाई से लगातार काम कर सकता है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें आपने ब्लेड जो लगाए हैं अंदर, तो वो किस क्वालिटी के लगाए हैं? जो इसमें ब्लेड लगे हुए हैं वो भी कार्बाइड स्टील के ब्लेड लगे हुए हैं, जिनकी धार कभी खत्म नहीं होती और बहुत लॉन्ग लास्टिंग ब्लेड है जी। और इसमें आपने लोहा जो यूज किया है वो किस क्वालिटी का किया है? बहुत हैवी का टाटा स्टील का लोहा इसमें यूज किया गया है, जिसमें ना कभी जंगाल आएगी, क्योंकि इसमें रबर कोटेड टेप हुआ हुआ है जी। और अब मैं बात करता हूँ, जैसे मेरा किसान भाई होता है वह कुछ समय तक काम नहीं करता, 4-5 महीने उसने कोई काम नहीं किया, तो क्या है 4-5 महीने बाद पहली रिकॉइल में स्टार्ट हो जाएगी मशीन? सर, पहली रिकॉइल में स्टार्ट होगी, आपने अकेला उस टाइम पे जब आपने 5 महीने बाद स्टार्ट करना है, इंजन ऑयल का ख्याल रखिए जी, पेट्रोल डालिए, हल्की सी चोक लगा के रस्सी स्टार्ट कीजिए, पहली किट में ये स्टार्ट होगी जी। तो मैं बात करता हूँ इसके पेंट के बारे में, पेंट किस क्वालिटी का सर इस पर? सर, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया रबर कोटेड पेंट हुआ हुआ है जी। तो किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको यह मशीन दिखाई है और इस मशीन की पूरी जानकारी दी है।
और किसान दोस्तों आपके किसान भाई से भी बात कराई गई है, यह 500 किलोमीटर दूर से चलकर इस कंपनी में आए हैं और इस मशीन को लेना आए हैं। इन्होंने भी बताया है कि इन्हें बुरादे की जरूरत पड़ती है तो इसलिए इस मशीन को ये लेना आए हैं और इसकी पूरी जानकारी जो है वो राहुल सर ने दे ही दी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताना और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं और एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।